गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आगे की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस में जाएंगे थोड़ा सा कि क्या पढ़ाई हुई थी, उसके बाद में थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, कंप्यूटर का हिस्ट्री जाने थे कि कैसे क्या हुआ। उसमें सबसे पहले हम लोग एबेकस पढ़े थे। एबेकस क्या होता है, तो फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था 5000 ईयर एगो में चाइनीज ने उन्हें बनाया था। वो काउंटिंग डिवाइस ही हम लोग पता चला था कि किस तरह से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, और यहीं से कंप्यूटर का जन्म हुआ। उसके बाद नेपियर फोन आया। नेपियर फोन ने सर नेपियर ने हमें बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इजी कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेपियर बोर्ड के बाद आया था पास्कलाई, ठीक है। उसमें आपको बताया गया बेलिस पास्कल जो थे उन्होंने बताया कि सेम चीज को उन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ क्या था मल्टीपल्स जो है और एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो है वो व्हील्स के जरिए पास्कलाई व्हील्स बनाया गया था, जो व्हील मूव करता था और वो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करके अच्छे से दिखाता था। उसके बाद आपके फादर ऑफ द कंप्यूटर जिनको हम लोग कहते हैं चार्ल्स बैबेज, उन्होंने दो बनाया। सबसे पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर एनालिटिक इंजन बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें डिफरेंस इंजन में थोड़ी खामियां दिखने लगी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही बाद एनालिटिक इंजन यूज किया। और एनालिटिक इंजन यूज करने के बाद ही कंप्यूटर का जन्म हो गया पूरी तरीके से। कंप्यूटर मार्केट में छोटा तो नहीं था लेकिन अच्छा था, जिसके कारण हम लोग कंप्यूटर को यूज करने में सब अच्छे से यूज कर लेते थे। उसके बाद हम लोग जो है इसीलिए इनका नाम फादर ऑफ कंप्यूटर रखा गया। उसके हम लोग आए थे टैबलेटिंग मशीन, या यहाँ से क्या था टैबलेटिंग मशीन से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला कि कंप्यूटर जो है वो और फास्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, चिप्स का इस्तेमाल करने लगा लोग, आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करने लगा। और एक बात मैं बताना भूल गया रिकॉर्ड में कि हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंस इंजन जब बना था तो हम लोग फाइव चीज पर बात हुई थी, इनपुट स्टोरेज प्रोसेसर, ठीक है, कंट्रोल यानी कि सीयू, और सबसे लास्ट में क्या था हमारा आउटपुट। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट था पांचों, इसलिए मैंने इसको रिवाइज कर दिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन का डिफाइन देखेंगे। तो कंप्यूटर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे टेक्नोलॉजी के अनुसार पर जितना कंप्यूटर को बांटा गया है वो पांच भाग में बांटा गया। तो पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1940 से लेकर 1956 तक चला। इसमें क्या था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, और कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था जिसके कारण उसको बिना एसी के हम यूज नहीं कर सकते थे, और बड़े लार्ज बड़ा सा हॉल में इसको रखा जाता था और काफी स्लो था। तो उसमें क्या था, यूनिबैक और इनायर दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जो थे उस समय के। उसके बाद आपका आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या आया, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन हम बता चुके हैं, सेकेंड जनरेशन ये था 1956 से 63 तक। इसमें आपको क्या था, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से थोड़ा सा कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हो गया, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें गो ओवर फॉक्सप्रो ये सब सॉफ्टवेयर में यूज होने लगा। इस जनरेशन के जो थे आपके कंप्यूटर वो था 1960s IBM 1401 और हनीवेल, ये सबसे एडवांस था उस जनरेशन का। उसके बाद आपका आया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यह 1964 से 71 तक चला। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारा चीज चेंज हो गया, ट्रांजिस्टर जो है वो आईसी में बदल गया, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आने लगा, कंप्यूटर काफी छोटा हो गया और फास्ट काम करने लगा। यह SSI और MSI के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा मोड तैयार किया गया, और उसी मोड में हम लोग कंप्यूटर को और इजी तरीके से पढ़ने लगे। इस मोड में IBM 360, Honeywell 6000, CDP और IBM 370 और 168 कंप्यूटर का जनरेशन आया। इसमें ट्रांजिस्टर जो है वो प्लेस होकर सिलिकॉन चिप में बदल गया, जिसको हम लोग इसी सिलिकॉन चिप को हम लोग आईसी कहते हैं। आईसी का हम लोग बता चुके हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यह 1971 से 1981 तक चला। यहां से ही दोस्तों हम लोग स्टूडेंट थे, यहां से ही जो है हम लोग जो है कंप्यूटर का समझिए कि पूरी तरह से इस्तेमाल जान लिया, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, वो लैपटॉप हर समय भी आने लगा, और हम लोग इसका इस्तेमाल काफी फास्ट करने लगे। और इसी समय GUI मोड, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सब मोड आने लगा और हम लोग जो है ग्राफिक्स को इजी तरीके से यूज करने लगे। इस मोड में क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन में हम लोग जो है ये स्मॉल टैबलेट में बदल गया, यहाँ पर दिखे भी है VLSI और GUI में आ गया। और आप सबसे लास्ट और अंत है आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब अभी जो चल रहा है सो और पहले का। यहाँ पर इस जनरेशन में हम लोग लिखे भी हैं इन इस जनरेशन रिसर्च आर फोकस, इस जनरेशन में सारा कंप्यूटर रिसर्च ही पर ज्यादा चल रहा है और डेवलप किया गया है कंप्यूटर को स्मार्ट कंप्यूटर में जो हम लोग एआई के रूप में जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मतलब हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर का जन्म रोबोटिक युग में होने लगा और इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े बड़े मॉल्स में देखते हैं जहाँ इंसान की जगह रोबोट को फिट किया जाता है, वो टोटल उसके शरीर में प्राण जान नहीं रहता है लेकिन वो एक इंसान के जैसा एक ह्यूमन के जैसा एक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो अमेरिका ने दिखाया है, एक बड़ा सा मॉल उन्होंने खोला है जो मॉल टोटली रोबोटिक है, उस मॉल में इंसान नहीं रहते हैं लेकिन सारा चीज परचेज होता है और सारा चीज आपको होम डिलीवर भी किया जाता है। चलिए देखिए तो हमारा कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ जनरेशन का पूरा फिफ्थ जनरेशन तक मैंने आपको बताया, फोर्थ थर्ड थ्री फोर्थ फिफ्थ लास्ट तक बताया, यही था आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग जो है आगे क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स।